और आज हमारा प्लान बन रहा है कि हम जाएंगे केविन की क्रिकेट एकेडमी में, जिसका नाम है अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी। और यहाँ पे हमारी प्यारी भाभी, हेलो भाभी, मैं आपकी ब्लॉग देख रही हूं। अब यहाँ पे हमारे साथ सजान ब्लॉग दीदी को भी जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बन चुका है भाभी का टेस्टी टेस्टी खाना। और ये भाभी, ये क्या है? कड़ी। अरे वाह। तो फिर जो मेरे पीछे पे अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी है, अगर आपको नहीं पता है तो ये इंडिया के क्रिकेट प्लेयर के नाम पे रखी गई है। यहाँ पर ये है गोल्फ कार्ट, जिसमें बैठ करके जाते होंगे ग्राउंड में पिचिंग के लिए। पे इन लोगों का जिम है, फिटनेस सेंटर। अब ये देखो, इसके अंदर फ्रिज है, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बच्चों का है। अब देखिए यहाँ पे आके एक मेरे नई चीज देखी है, जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, वो है बॉलिंग मशीन। अब यहाँ पर हमें केविन बताएगा कि किस चीज के लिए स्पेसिफिक खेलता है और किस चीज में प्रोफेशनली खेलेगा। आगे गोल है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो भी देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं भाभी के यहाँ आ रखा हूँ, साधना भाभी के यहाँ, पहाड़ी साधना जी के यहाँ। तो यहाँ पे हैं हम, और आज हमारा प्लान बन रहा है कि हम जाएंगे केविन की क्रिकेट एकेडमी में, जिसका नाम है अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी। तो मैंने सोचा, भाभी ने बोला कि वहाँ चलेंगे, वहाँ की वीडियो बना के आएंगे, तो अभी चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कैसी है। तो मैंने काफ़ी नाम सुना है यहाँ का, तो ये मान्यता है यहाँ की बहुत ज़्यादा और बहुत ही प्यारी जगह है। तो चलेंगे और आप लोगों को वहाँ का दिखाएंगे। सामने पे ये दिख रही है, यहाँ से बिल्कुल बगल में वो है क्रिकेट एकेडमी केविन की, जिसका नाम है अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी। तो ये देखिए कितनी पास है यहाँ से। तो भाभी लोग तभी यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उनको आसान पड़े जाने के लिए केविन के लिए, और केविन अभी आ चुका है स्कूल से। बाकी यहाँ पे इनका डॉगी है बूजो, वो कैसे सो रखा मजे से। चलो फिर चलेंगे आज और देख करके आएंगे कैसी है एकेडमी। केविन जो है, उसकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के लिए, तो वो ना कुछ जो भी चीज़ें होती है घूमने फिरने वाली, उन सबको सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे अगर भाभी लोग कहीं जा रहे हैं तो मना करता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी क्रिकेट में कोचिंग है तो मैं वहाँ जाऊँगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये दिखाती है डिटर्मिनेशन स्पोर्ट्समैनशिप की, कितना उनको केविन को कितना अपने उससे लगाव है कि वो प्रैक्टिस करना चाहता है और एक दिन नाम रोशन करना चाहता है। तो केविन को सपोर्ट सब जरूर करना जब वो क्रिकेट के लिए आगे जाएगा। बाकी देखते हैं, अभी तो खैर वो अभी छोटा है और ट्रेनिंग कर रहा है बहुत अच्छे से, और मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा खेलता है। बाकी यहाँ पर पे ट्रेनिंग के लिए उसने बॉल भी लगा रखी है, यहाँ देखो, ये ऐसी बॉल है। अब क्रिकेट तो सबने खेला ही है अपने बचपन में, तो अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेला अपने बचपन में तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो बहुत खेला है, और पहाड़ों में तो खैर क्रिकेट सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा खेला जाता है खेल वो क्रिकेट ही है। तो मतलब बहुत दूर दूर तक इवन टूर्नामेंट होते हैं हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा, जिसमें काफ़ी ट्रॉफीज आती हैं। चलो फिर आपको भाभी से भी मिला देते हैं। भाभी यहाँ पर पे खाना बना करके नहा धो के रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे हमारी प्यारी भाभी, हेलो भाभी, मैं आपकी ब्लॉग देख रही हूं। नया ब्लॉग है, नया ब्लॉग है। अच्छा, हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? तो हम आज के समय में देख रही हूं मेरे ब्लॉग, मेरे ब्लॉग देख रहे हैं भाभी। तो कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, बढ़िया है। चले फिर चलते हैं, बिल्कुल है ना। हाँ। भाभी ने देखो सारा काम भी कर लिया, रेडी भी हो गया। देखो भाभी इतनी सुपर फास्ट है ना कि सारा काम करके रख दिया और अब जाने लग चुकी है। तारीफ मत किया करो मैं, क्योंकि हमारी भाभी है इतनी प्यारी ना कि सारा काम करके रखती है भाई। और आज ही जाने में लोगों को क्या है, बस घूमना घूमना है, बाकी काम तो क्या ही कर रहे। सबसे पहले काम करना, और ये बोलने की बात नहीं है, तो आपने वीडियोस में देखी होगी भाभी के भी, और हम भी दिखाए रहे कि कल भाई भाभी ने इतनी जल्दी सारा काम करा है ना, पता ही चलता भाई, दो मिनट में सारा काम कर दे भाभी। नहीं, चलते हैं केविन की एकेडमी। अब यहाँ पे हमारे साथ सजान ब्लॉग दीदी को भी जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं जाएंगे, और हम अकेले ही जाएंगे, मतलब भाभी और मैं ही जाएंगे, बाकी दीदी को आराम करने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बन चुका है भाभी का टेस्टी टेस्टी खाना, और ये भाभी, ये क्या है? कड़ी। अरे वाह यार, कल इतनी प्यारी कड़ी बनाई थी ना, मजा आ गया, क्योंकि सबको कड़ी अच्छी लगती है, मतलब सब लोग ऐसा नहीं है कि कड़ी के लिए मना कर रहे हैं ना, तो मैंने कड़ी बनाते। और यहाँ पे दाल बना रखी है, और ये थोड़ा छोले बचे रखे हैं, इनको खाएंगे। हाँ, बाकी सलाद, और वहाँ देखो केविन को मजे से नहा धो के भी बैठ गया है, और इतना एनर्जेटिक है ना कि इसने आया, नहाया, धोया, रेस्ट करा, अब खाना खाने भी आ गए हम सब। तो अब खाना खाते हैं, फिर चलेंगे हम केविन की एकेडमी। अब देखिए यहाँ पर पे आ चुका हमारा खाना, टेस्टी टेस्टी कड़ी और दाल, और अब खाते हैं फिर हम चलेंगे, है ना भाभी? हाँ, चलो फिर। बाकी यहाँ पे दीदी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो देख के भी ऐसा हो रहा है ना, बस जल्दी ठीक हो जाए दीदी। तो देखिए हमारी बारी आ चुकी है जाने की, तो हम जा रहे हैं अब क्रिकेट एकेडमी, जहाँ पे केविन क्या है प्रैक्टिस करता है। और चले तो भाभी, हाँ जी चले। और देखो भाई, ये भाभी का चश्मा लगता ही ना, भाभी हीरोइन बन जाती है, भाभी छह ये तीन। चलो भाभी आओ, और यहाँ पर केविन भी रेडी हो चुका है आने के लिए, और चलते हैं हम। चले भाभी, चलो लेट्स गो, चले केविन, लेट्स गो। अब देखिए भाभी के घर के पास में ये एकेडमी है, सामने पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, और सामने यहाँ पर पे है ये अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी। तो भाभी कैसा लगता है आपको यहाँ रहने में? मुझे तो यहाँ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं केविन की वजह से हूँ। अरे केविन भी सुबह से शाम एकेडमी में रहता है, और केविन की डैडी भी ऑफिस में रहते हैं, तो मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉगिंग का काम करती हूँ, जो कि मेरा टाइम पास हो जाता है। भाभी का, हाँ जी,
जैसे देखते हो अगल बगल कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली मकान है। और कितनी बोरिंग, इस सुबह से शाम कैसे लगता होगा, शांत पूरा शांत हो जाती है। सुबह का तो काम काम है तो निपट जाता है, पर दिन शाम को बहुत बोर हो जाता है। वही ना, अब भाभी जो है इतना काम करती है लेकिन यहाँ रह करके ना अकेले में अजीब लगता होगा। और भाभी का यूट्यूब चैनल है पहाड़ी साधना, खैर सबको पता ही है। और तो भाभी को जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट अच्छे से दिखाना भाई, भाभी बहुत मेहनती है। अब मेरे को भाभी से सीखने को भी मिलता है कि भाभी ने हर दिन व्लॉग डाले हैं, मतलब जब से भाभी ने स्टार्ट करा ना एक दिन नहीं होगा छोड़ा होगा। मैंने ना अपने हिसाब से देखो तो मैंने काफी टाइम गैप भी लिया है, नीच मतलब कभी कभी व्लॉग नहीं डाला, लेकिन भाभी ने एक दिन नहीं होगा जब व्लॉग नहीं डाला है। चाहे भाभी कैसे भी व्लॉग बनाती है लेकिन सारे बनाती है, मतलब कि भाभी को ये है कि बस बनाना है व्लॉग और आप लोगों को दिखाना है। क्योंकि देखो अपनी इतनी डेडिकेशन अगर कोई दिखाता है ना तो सपोर्ट भी उतना अच्छा होना चाहिए। और आजकल तो आप भाभी को सपोर्ट दिखा रहे हो, तो और आगे पहुंचाओ भाभी को और अच्छे सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि भाभी करती इतना प्यारा काम है। तो मेरी ऑडियंस जो भी है जिनको नहीं पता है, ये है मेरी प्यारी सी भाभी जिनका नाम है पहाड़ी साधना चैनल का, जाकर के सब्सक्राइब जरूर करना। भाभी बहुत ही प्यारे व्लॉग्स बनाती है। मेहनत तो करती पर व्यूज नहीं है। वही ना, तो कोई नहीं, मैं ये बोलती कभी ना कभी, कभी ना तो हो ही जाएगा। लेकिन ये है कि भाई भाभी को सपोर्ट की अभी बहुत जरूरत है, जैसे कि मुझे है वैसे ही भाभी को है, और भाभी को भी खूब सपोर्ट दिखाए। क्यों भाभी, अब यहाँ देखो यहाँ कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं इधर पे, और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पर पे बहुत ही प्यारा जंगल है, और सामने पे जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ये हैं साल के। तो ये वाले जो पेड़ होते हैं ना भाभी, ये मेरे गांव साइड बहुत होते हैं, है ना। हाँ, मेरे गांव साइड पौड़ी, मतलब यमकेश्वर में पौड़ी में ना बहुत है ये। वैसे चीड़ के भी होते ही हैं थोड़ा ऊपर जा करके, लेकिन मेरे गाँव में ना ये साल के पेड़ बहुत है। और सेम ऐसी है वहाँ पे भी, और यहाँ देखो कितना प्यारा दिख रहा है। तो भाई भाभी इतनी प्यारी जगह पे रहती है पहाड़ में, तभी तो भाभी का नाम है पहाड़ी साधना। और यहाँ पर पे है यहाँ का एंट्रेंस गेट, और वहाँ पर पे पूरा मेन बिल्डिंग है। आ चुके हम यहाँ पर पे, और यहाँ से एंट्रेंस गेट है, तो चलते हैं। अब यहाँ देखिए कितना प्यारा है, पूरा एंट्रेंस से ही बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ सफाई बहुत है। और वहाँ पर पे है ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं, और यहाँ का जो वातावरण है कितना प्यारा है, नहीं बहुत ही प्यारा लग रहा है। को और शाम को तो बहुत ठंडी हवा चलती होगी यहाँ पे ना, और रात को तो बहुत ठंडा रहता होगा। रात को यहाँ जैसे कि लोगों का मैच चलता है या बाहर की टीम आती है 11 बजे तक रात को, और यहाँ पे जो चारों तरफ से ही लाइटें जली रहती है, तो इतना मस्त लगता है ना, ठंड सी रहती है उस समय। हम स्टॉल लेके आते हैं यहाँ, वही ना, ठंडा होता होगा क्योंकि पूरा एरिया देखो ना कैसा है। और देखिए ये है यहाँ का पूरा ग्राउंड, और कितना प्यारा दिख रहा है। जैसे ये एकेडमी है तो उस हिसाब से ना, जैसे यहाँ पे हिल के नाम भी रखे। अच्छा, इसका नाम है सर एलस्टिक कुक हिल। अच्छा, उसका नाम है अनिल कुंबले हिल। अनिल कुंबले, दो टाइप के एंड होते हैं, जैसे हर ओवर में एंड चेंज होता है, तो एक एंड ये है एक एंड ये है। अच्छा, फिर वो ये है जुलन गोस्वामी हिल, वहाँ पे बीबी लक्ष्मण स्टैंड है, मिताली राज हिल है, संयुक्त जय सूर्य हिल है। अच्छा, तो बेसिकली सब जो है क्रिकेटर के नाम पे रखे हुए है ना। यहाँ पे जो खंबे लगे हुए हैं, मतलब वहाँ पे कैमरा लगाते हैं, जैसे रन आउट का देखते हैं, स्टंपिंग का वो देखते हैं, यहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं, स्ट्रेट कैमरे यहाँ लगे रहते हैं। अच्छा, तो बाकी यहाँ की वीडियोस वगैरह के लिए या टेलीकास्ट करने के लिए लाइव, तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कैमरे लगे रहते हैं ना केविन। बिल्कुल बीच में मतलब ऊपर है ना, वहाँ पे कमेंट्री होती है। अच्छा, वहाँ पे कमेंट्री होती है जब मैच चलता है, तो बीच में आप कमेंट्री सुनते हैं ना, तो वहाँ पर होती है। कहाँ पे होती है केविन? जो ब्लैक डिजिटल जो टीवी पे आती है ना, वो ब्लैक। अच्छा, तार कनेक्टेड। अब वहाँ पर भी देखिए साफ सफाई चल रही है, पिच रोल हो रहा है, तो देखो भाई पूरी यहाँ पे देखी जाती है कि मतलब हर चीज को नापा जाता है, मापा जाता है कि बिल्कुल अच्छा पिच हो, ताकि जो है बच्चे अच्छे से खेल सके, या क्रिकेट मैच हो तो अच्छे से हो, है ना। आठ पिच है। अच्छा, आठ पिच है, अलग अलग, अलग अलग, लाल मिट्टी काली मिट्टी। अच्छा, अलग अलग टाइप के आठ पिच है। बाहर का यहाँ पे बाहर है, वहाँ की एंट्रेंस है। अच्छा, जैसे बाहर की जो पार्टी आती है, मतलब खेलने भी आते हैं, पार्टी करना आता है, तो यहाँ अंदर कभी। अच्छा, उनकी पार्टीज के लिए यहाँ पर पे अरेंजमेंट के लिए वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, कैफे टाइप का, बार टाइप का है, तो यहाँ पे जो भी टीम्स आती है उनके लिए होता है यहाँ पर पे। और सामने पे देखिए जो स्ट्रक्चर है काफ़ी प्यारा है, और ये बिल्कुल ईंटों वाला है, तो मतलब इस पे कोई पेंट नहीं कर रखा है, लेकिन ये ऐसे ही बहुत एस्थेटिक और अच्छा लग रहा है। और ये एग्जिट डोर है। अच्छा, ये एग्जिट डोर है, ओके। और ये किस चीज़ बाहर की, यहाँ पे मतलब ठंडियों के मौसम में आग जलाते हैं हम सब बैठे यहाँ पर पे, जब ठंड होती है तो आग जलाते हैं, और हाथ सेकने के लिए होता है। कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ पर आग, मतलब आराम से बैठने के लिए कितना मजा आता है यहाँ पे। बहुत मैच देखते हैं आप आज जला, है ना। तो आज है मंडे, और केविन का भी आज प्रैक्टिस नहीं है शाम को, तो मंडे को केविन की छुट्टी रहती है, और पूरा हफ्ता ये स्टेडियम में रहता है। जैसे संडे को सुबह होती है इनको इनकी, और मंडे को रहती है सिर्फ छुट्टी।
और आज इसीलिए केविन यहाँ है। और आज आपको ना सुनसान लग रहा होगा, वैसे यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बच्चे ग्राउंड में रहते हैं सुबह से शाम। आज आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है बच्चे, आज बच्चे सारे रेस्ट कर रहे हैं और स्कूल से आ रखे हैं, सब थके थके हैं। हफ्ते में दो दिन जाता है केविन स्कूल, मंडे और ट्यूजडे। हाँ, क्योंकि फिर क्रिकेट में भी ध्यान देना ही है और पढ़ाई पे भी ध्यान देना ही है ना। केविन तो सुबह जाता है फिर शाम को, फिर पहले वो सुबह जाता है फिर 8 बजे जाता है, फिर उसके बाद वो खाने खाने आता है, फिर शाम को जाता है, फिर आएगा, फिर ट्यूशन जाएगा। वैसे बहुत बिजी है तो, तो देखो अभी से इतनी प्रैक्टिस कर रहा है और इतना अपना टाइम दे रहा है जो कि अच्छी बात है। तो ये है अंदर, मतलब ये हमारा जैसे नहीं कहते एक्स्ट्रा रूम कार्ड होता है, एक्स्ट्रा बेडिंग होती है, तो वैसे यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा किचन टाइप का। अच्छा, किचन है यहाँ पे, मतलब वहाँ से खाना लाते हैं, यहाँ पे खाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बाहर की टीम में मैच खेलना आती है तो यहाँ खाता खाते, तो हमारे जो अकेडमी के बच्चे वो यहाँ पर खाते, तो बाहर वाले जो उधर पे खाते हैं और जो अकेडमी के बच्चे हैं वो यहाँ पर पे खाते, तो यहाँ पे इनका वो होगा किचन वगैरह खाने का ना, रेस्टोरेंट टाइप का होगा बच्चों के लिए। अगर अगर सर खोलने के लिए बोलेंगे तो अंदर भी आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो ये है पवेलियन, दो पवेलियन है, एक अपोनेंट टीम के लिए, एक और दूसरी टीम के लिए। यहाँ पे पवेलियन है और यहाँ से ऊपर जाते हैं, इस साइड हमारा वो है क्या कहते हैं पवेलियन है, एक वहाँ पर पे, यहाँ पर पे तो इन बच्चों का रेस्ट करने का बैठने का है, और ऊपर जाकर के कॉटेजेस हैं जहाँ पे बच्चे आराम कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर जाकर के इनका पीवीआर है जहाँ पर पे मैच की स्क्रीनिंग होती है ना, वहाँ मैच दिखाते हैं ना और प्रैक्टिस करवाते होंगे, दिखाते होंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है ना। ये हमारा आता है टीवी टेबल, मतलब बस नेट का है। अच्छा, तो टेबल टेनिस खेलने के लिए यहाँ पे टेबल है यहाँ पर पे। अब देखिए यहाँ पर पे किसी का ग्लव है और ये ऐसे ग्लव्स पहनते हैं क्रिकेट खेलने के। तो क्रिकेट खेलने के लिए जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत पूरी एक यूनिफॉर्म होती है इसकी, कि हाथ के पैर के गार्ड्स हर चीज़ पहननी पड़ती है, क्योंकि बॉल जो होती है वो लदर की होती है और लगे ना इसलिए, है ना केविन। बाकी क्रिकेट के बारे में तो हमको, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा पता है, इतना नहीं पता इतना केविन को पता होगा, लेकिन आप लोग अगर देख रहे हैं जो एक्सपर्ट है क्रिकेट में, जो टेक सेवी है, उनको पता होगा। और यहाँ पर पे ये है गोल्फ कार्ट जिसमें बैठ करके जाते होंगे ग्राउंड में पिचिंग के लिए। अब यहाँ पर पे इन लोगों का जिम है, फिटनेस सेंटर। हाँ, ये जिम है। अच्छा, यहाँ सारे टाइप की आपको मशीन वगैरह सब है। अच्छा, यहाँ पे जिम केविन लोगों का, तो केविन लोगों का जिम यहाँ पर पे है, वेट ट्रेनिंग के लिए, जिम ट्रेनिंग के पूरा है। इस साइड से ज्यादा आपको वेट्स मिलेंगे। अच्छा, इस साइड ज्यादा नहीं, मतलब वेट का तो नहीं, कार्डियो वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों के कार्डियो के लिए है, तो यहाँ पर पे अभी केविन हमको दिखाएगा कार्डियो करके। तो ये यहाँ पर पे इनकी कार्डियो की ट्रेनिंग होती है। इक्विपमेंट यहाँ पे बहुत हैवी और एक्सपेंसिव यूज कर रखे हैं ताकि बच्चों के लिए कोई कमी ना हो और ट्रेनिंग जो अच्छे से हो। तो आप केविन ट्राई करके दिखाओ। तो यहाँ देखिए सारे फंक्शंस हैं जो कि हमें केविन बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं कि अरे वाह, लैंग्वेज, वाईफाई और डिस्टेंस, टाइम, कैलरी, वीडियो, म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक वीडियो देखते देखते भी जा सकते, वीडियो देख के, मतलब जैसे कि अगर आप सामने दौड़ रहे हो ऐसे मुंडना मुंडना। अच्छा, तो वीडियो देख के रनिंग कर सकते हैं, गाने सुनते हुए कर सकते हैं, डिस्टेंस कितना रखना है, टाइम कितना रखना है, कैलरीज कितनी बर्न करी है उसके हिसाब से है यहाँ पर पे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ये वर्चुअल वाला है, तो इसको देख के ऐसा लगेगा कि सामने पे ही है, जैसे 3D वाला होता है ना, सेम वही है। अरे वाह, आप देखो यहाँ पर बच्चों के लिए अलग अलग चार्ट्स लगा रखे हैं कि किस प्रकार से ग्रुप वाइज बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया चार्ट्स के हिसाब से, तो बच्चों की एज वाइज है, ग्रुप वाइज है कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, फिर यहाँ पे जो उनसे थोड़े बड़े ग्रुप वाले बच्चे, फिर ये होंगे बड़े बच्चों के लिए जिनपे अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस है। तो फिर अभी चलते हैं बाहर पे और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर पे बच्चों के लिए बोर्डिंग हॉस्टल्स है सामने पे, यहाँ पर पे है। तो जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे बच्चों के रूम्स है, हॉस्टल्स है बोर्डिंग वाले, तो इस प्रकार के रूम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे फैसिलिटी काफी अच्छी है बच्चों के लिए, टीवी भी है, वॉशरूम भी है वहाँ पर पे, यहाँ पे बेड है, स्टडी टेबल है, अलमीरा है, सब कुछ है यहाँ पर पे, तो अच्छा है काफी बच्चों के लिए रहने के लिए। अब ये देखो इसके अंदर फ्रिज है, तो यार फैसिलिटी तो काफी अच्छी है बच्चों की। अब यहाँ पर पे केविन के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके वो रहता है, नाम नूम भी, निकनेम भी रख रखे हैं केविन के सारे दोस्त हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बच्चों का है, जिसका नाम रखा है एलन डोनाल्ड प्रैक्टिस एरेना। तो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह होती होगी, नेट लगा रखे हैं। अब देखिए यहाँ का जो एरेना है प्रैक्टिस वाला काफी बढ़िया है, यहाँ पे पीछे देखिए प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छा है। ये है किट रूम और ये मेरा किट है। अच्छा, ये है केविन का किट और यहाँ पे ये लॉन्ड्री है। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ड्री रूम। चलो आपको इंडोर में चलते हैं गाइस। और यहाँ पर नेट लगा रखा है, तो प्रैक्टिस होती होगी यहाँ पे अच्छी वाली।
वहाँ देखो। अब देखिए यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी अच्छी हैं कि बाहर पे खेलने के लिए आउटडोर भी है और अंदर खेलने के लिए इंडोर भी है, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई कुछ बारिश वगैरह आ गई या हवा चल रही है काफ़ी तेज, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है कि बच्चे अंदर खेल सकते हैं और प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी बच्चों के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि वो हमेशा खेल सके और कभी रुकावट ना आए उनके गेम में। फैसिलिटी तो अच्छे हैं, फैसिलिटी अच्छी है हमारे लिए बहुत महंगा। अब ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए काफी हाई पड़ सकते हैं इसके, तो रेट्स काफी, पर मुझे तो बहुत ज्यादा रेट लगता है क्योंकि हम केविन की वजह से इतने दूर आ रखे हैं, रेंट पे रहते हैं और अभी तक अपना मकान नहीं बना, जो कि मैं केविन को बार बार बोलती हूँ केविन अच्छे से खेल, हम कब तक रेंट पे रहेंगे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कोई नहीं सब हो जाएगा सब हो जाएगा, पर एक मैं भी सोचती हूँ कि सब हो जाएगा, पर कभी कभी क्या होता है ना, एक हाउस वाइफ है सब कुछ सोच के चलना पड़ता है आगे, कभी सोचते हैं कि बच्चा अगर सक्सेसफुल ना हो तब, मतलब उस चीज़ की टेंशन होती है। वैसे ये है कि इस ग्राउंड में बहुत अच्छा है, अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है। पर चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं इंडोर का, और यहाँ पर इंडोर गेमिंग होती है। ये जो आप बकेट देख रहे हो उनके अंदर हमारी सिंथेटिक बॉल्स है। अच्छा, सिंथेटिक। और जो काला कपड़ा देख रहे हो उसके पीछे सर लोग मतलब वो रखते हैं, अलमारी होती है उसके अंदर सर नई बॉल्स पुरानी बॉल्स खेलने के लिए। अभी लेदर से खेलते हो आप लोग? यहाँ पे आके एक मैंने नई चीज देखी है जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, वो है बॉलिंग मशीन। मतलब मूवीज में या वीडियोस में तो देखी है, बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये है बॉलिंग मशीन, और यहाँ से जाती है इसके अंदर से बॉल। देखो ये होता है, ये पता कैसे फंक्शन करता है इसमें, आप ना जैसे साइड आर्मर भी उतना तेज नहीं बॉल फेंक पाता, पर बॉलिंग मशीन में आपको खाली सेट करना है। कितनी स्पीड होती है इसकी? इसकी बॉल्स होती है अलग टाइप की। ये बॉल है, अच्छा ये जाती है इसके अंदर, और स्पीड कितनी कितनी हो सकती है इसकी? इसकी 150। अच्छा, आप सेट कर सकते हैं पूरा यहाँ पर पे अपनी पूरी स्पीड का बॉल की किस प्रकार से आएगी। और ये है, बट ये पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे। ये है सिंथेटिक बॉल। अच्छा, ये वाली सिंथेटिक बॉल है, ये होती है सिंथेटिक बॉल, ये हार्ड होती है। अच्छा, ये सिंथेटिक बॉल है और ये थोड़ी हार्ड होती है। वेरी गुड। अब यहाँ पर हमें केविन बताएगा कि किस चीज के लिए स्पेसिफिक खेलता है और किस चीज में प्रोफेशनली खेलेगा आगे, गोल है। मैं बैट्समैन विकेट कीपर हूँ, और मैं अभी मैंने क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग और विकेट कीपर की प्रैक्टिस करता हूँ। वेरी गुड, बस इसमें आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, बस तो बाकी सबका है ही, मेहनत केविन की है और आशीर्वाद तो आप सबका चाहिए, ताकि वो माँ पिता का नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन करे। बाकी बस मैं यही इसको यही बोलती, मेहनत करते जा, मेहनत करते जा। कभी तो ऐसा सोचते कि तुम मेहनत कर, चलो कोई नहीं, हमारा जितना भी हो रहा खर्चा हम उस पर नहीं सोचते हैं, बस तुम मेहनत कर। अब देखते हैं, मेहनत केविन की है और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप बड़ों लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और क्या पता आप लोग किसी का आशीर्वाद लग जाए केविन पे। वही तो, माँ चंडिका का आशीर्वाद सदा बना रहे और केविन बहुत आगे जाए और अच्छे से खेले। तो सब लोग केविन के लिए कांग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट जरूर बोलो। फिर चलते हैं आगे का टूर करते हैं यहाँ पर पे, और सामने था यहाँ पे एरेना जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी प्रैक्टिस, और यहाँ से जाते हैं ऊपर आगे के लिए। अब यहाँ पर पे NC का कैंप लगा है अंडर 19 गर्ल्स का, तो अभी सिक्योरिटी पर्पज से ना हम अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो जा सकते थे, फिर बच्चों का फिर यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह भी होगी, तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन जा करके आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी पूरा टूर करा दिया है आपको। फिर देखिए मेरे पीछे में है अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी, यहाँ पर पे देखिए, और ये पड़ती है जाखन साइड। तो अगर आपको नहीं पता है, तो जब आप राजपुर रोड साइड आएंगे पैसिफिक से पहले थोड़ा ही पहले, तो जैसे ही आप पैसिफिक की साइड आएंगे उससे पहले एक गली जाती है अंदर को, जो जौड़ी गांव या गुनियाल गांव जाती है, तो वहां से बिल्कुल स्ट्रेट जाते हुए अंदर जाते हुए आपको पता चल जाएगा आप किससे पता करके या गूगल मैप को देख करके यहां आ सकते हैं, और ये जगह गूगल मैप पे भी मिल जाएगी आपको अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी की। तो फिर जो मेरे पीछे पे अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी है, अगर आपको नहीं पता है, तो ये इंडिया के क्रिकेट प्लेयर के नाम पे रखी गई है, अभिमन्यु ईश्वरन, तो उनके नाम पर रखी गई है यहाँ पे, और उन्होंने अपना जो डेब्यू वो स्टार्ट करा था, क्रिकेट का मैच जो स्टार्ट करा था खेल, वो बंगाल से करा था। तो अगर आप लोगों को पता है इस बारे में तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मेरे को जितनी पता है पता करके मैंने आपको बताई है, और अगर आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर पे इनका स्विमिंग पूल है, तो संडे को यहाँ जब मैच होता है तो उसके बाद बच्चों को खिलाने के और ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आधे घंटे के लिए स्विमिंग पूल लिया जाता है, ताकि जितना भी स्ट्रेस है उसे कम कर सके और बॉडी को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है ना बच्चों की। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, और ये तो पूरे इक्विपमेंट का खेल है प्रॉपर। खैर जो हम लोग खेलते हैं घर में गांव में गलियों में वो तो खैर नॉर्मल रहता है,
ठीक है, लेकिन ये पूरा पूरे जो इक्विपमेंट होते हैं, बैट होगी, लेदर, मतलब प्रोफेशनल वाला खेलते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग ही प्रोफेशनल के लिए कर रहे हैं। और यहाँ से जाने का उनका रास्ता है, और क्या सजा रखा है भाई यहाँ पर भी, बहुत बढ़िया। अब वाले फूल का नाम ना मुझे ढंग से याद नहीं, बोगनवेलिया पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ नाम है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना, मुझे तो खैर याद नहीं, बट काफी अच्छा बना रखा है यहाँ पे नीचे पूल पे जाने के लिए। ये देखो वाह, बच्चों के लिए यहाँ पे पूल है पूरा। तो फिर देखिए आज का पूरा व्लॉग ऐसा था, हमने आज पूरा टूर करा है क्रिकेट अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी का। तो भाभी को कैसा लगा? मुझे तो मैं बहुत अच्छा लगा, भाभी तो पहले भी काफी बार आ रखी है। आपने ही केविन का मैच होता, मैं डेली आती हूं, मतलब होता ही है, एक चक्कर आना ही आना पड़ता है। काफी फैसिलिटीज हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं, या अगर अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो जरूर देख सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अच्छा है कि फैसिलिटीज वगैरह है, कर सकते हैं बच्चे ट्रेनिंग वगैरह, बाकी आप लोग आकर एडमिशन यहाँ ले सकते। तो आज फिर काफी मजा आया अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी का पूरा टूर करके। तो फिर आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं। चलते मिलते अगले ब्लॉग में, और अगर आप लोगों ने पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में राइट में क्लिक करके जा करके जरूर देखेगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। नेक्स्ट ब्लॉग का भी वेट करना, यहाँ का सेकंड पार्ट वो आएगा बाद में। बाय बाय।